हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला, वह कैसे भी करके आज दौड़ पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैर की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इसी तरह गलती करते हैं लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको 10 आवर्स स्टडी करनी है, और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिलते हैं, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यह सीख मिलता है, अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे, एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।